नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंगरौली जिले की एक ऐसी विधानसभा सीट जहां से नाना, एक 70 साल के नाना और उनकी नातिन कैंडिडेट हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा है और उनकी जो चुनावी जंग है अब वो लगभग थम गई है। 3 दिसंबर का इंतजार बाकी है, 3 दिसंबर को पता चल जाएगा कि नाना भारी पड़ते हैं कि नातिन। एक तरफ उम्र का तजुर्बा, एक तरफ है यंग जनरेशन का जोश। जैसे कि आप सभी को पता है, देवसर विधानसभा सीट आरक्षित सीट है जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। पहले हम 2018 के चुनावों की बात करते हैं। 2018 के चुनावों में इस विधानसभा सीट से बीजेपी के सुभाष रामचरित ने जीत दर्ज किया था। सुभाष रामचरित ने कांग्रेस पार्टी के वंश मानी प्रसाद को हराया था और इस बार वंश मानी प्रसाद फिर से इसी सीट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी के सुभाष रामचरित को 63,249 वोट मिले, वहीं कांग्रेस पार्टी के वंशमानी प्रसाद को 52,428 वोट मिले। यहां एक निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र प्रजापति ने खूब सारे वोट बटोरे थे, 18,311 वोट निर्दलीय प्रत्याशी को भी मिले थे। इस विधानसभा सीट पर भी लंबे समय तक बीजेपी का कब्जा रहा है अभी तक, और बीजेपी कई बार ये विधानसभा सीट जीतती आ रही है। 2003 से लेकर अब तक 4 बार बीजेपी इस विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुकी है और हर बार चेहरों को बदल बदल कर चुनाव जीतती आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को इस विधानसभा सीट से 1998 में जीत मिली थी, तब के बाद यहां पर कांग्रेस पार्टी को जीत नसीब नहीं हुई। अब इस बार 2023 के चुनाव में बीजेपी ने जहां राजेंद्र मेश्राम को कैंडिडेट बनाया है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने सेम कैंडिडेट वंशमानी प्रसाद को ही रखा है। समाजवादी पार्टी से वंशमानी की नातिन को टिकट दिया गया है, डॉक्टर सुषमा प्रजापति को। जैसा कि आप सभी को पता है, सिंगरौली मध्य प्रदेश का 50वां जिला है और ये रीवा बघेल खंड के अंतर्गत आता है। देवसर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई विधानसभा सीट, यहाँ पर क्षत्रिय आदिवासी साहू वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। 80 साल के नाना वंशमानी प्रसाद और उनकी नातिन जो है 27 साल की डॉक्टर सुषमा प्रजापति, इन दो कैंडिडेटों को भी देखा जाए ना, झुकाव आ रहा है। सपा की डॉक्टर सुषमा प्रजापति के तरफ लेडीजों का काफी रोचक मुकाबला होने जा रहा है 3 दिसंबर को, आप लोगों को पता पड़ ही जाएगा। बाकी इस विधानसभा सीट पर राजेंद्र मेश्राम का कहीं ना कहीं पलड़ा भारी दिख रहा है, बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। वंशमानी वर्मा एक तो 3 बार से विधायक रह चुके हैं, 3 पंचवर्षीय हो चुका है, एज भी हो चुकी है, इसलिए वोटर्स लगभग अब वो देख चुके हैं कि अब कुछ बचा नहीं है इनके अंदर, इसलिए अब वो बीजेपी और सपा के बीच में इस सीट से मुकाबला होने जा रहा है। दोस्तों, देवसर विधानसभा सीट मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है जो कि सिंगरौली जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 2,31,000 के आसपास वोटर्स हैं जो कि अब बढ़ भी चुके होंगे। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व की गई है। इनमें 1,19,000 के आसपास पुरुष वोटर्स, वहीं 1,11,000 के आसपास महिला वोटर्स हैं। यहाँ का जो मतदाता वर्ग है वो हरिजन आदिवासी और सामान्य वर्गों से मिलजुल कर बना हुआ है। वर्तमान में ये जो विधानसभा सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। यहाँ के जो विधायक हैं वो सुभाष रामचरित हैं। देवसर विधानसभा सीट जो है तहसील बरगवां नगर परिषद और बरगवां रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर है, कई सारे पावर प्लांट्स हैं, यहाँ पर एल्युमिनियम की फैक्ट्री है, मांडा की गुफाएं हैं यहाँ पर। इस क्षेत्र से पूर्व मंत्री वंशमणि वर्मा और रामचरित यहाँ से मंत्री भी रह चुके हैं। के विधानसभा चुनाव में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, अभी संपन्न हो चुके हैं, बस 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आपको रुझान की जानकारी मिल जाएगी। ऐसे ही तमाम जानकारी पूर्वक वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल फाइंडोस पर। चैनल फाइंडोस को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।